नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। उत्तराखंड के एक रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी 18 सितंबर से रहस्यमय तरीके से गायब थी। पूरा परिवार, प्रदेश की पुलिस सब उसे ढूंढने में लगे हुए थे। किसी को कुछ नहीं पता था कि अंकिता को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। उसकी गुमशुदगी एक सस्पेंस बन चुकी थी। लेकिन 5 दिन बाद जब उसका शव बरामद हुआ तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। SDRF को चिला नहर के पास अंकिता का शव मिला। परिवार ने उसके शव की शिनाख्त की है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश के एम्स में भेज दिया गया है। अंकिता की हत्या का आरोप BJP नेता और राज्य के पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों अंकित और पुलकित गुप्ता सौरभ भास्कर पर लगा हुआ है। इन तीनों पर आरोप है कि इन्होंने अंकिता को पहाड़ी से नीचे गंगा में धक्का देकर मार डाला। जिस रिसॉर्ट के पास ये घटना हुई वो पुलकित आर्य का ही है। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने रिसॉर्ट को सील कर दिया था। आपको बता दें कि 19 साल की अंकिता 18-19 सितंबर से गायब थी। 19 सितंबर की सुबह अंकिता अपने कमरे में नहीं थी। उसके पिता रिसॉर्ट पहुंचे और कर्मचारियों से पूछताछ की। बेटी का पता नहीं चलने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस से पूछताछ के दौरान पुलकित आर्य ने बताया कि अंकिता रिसॉर्ट के एक अलग कमरे में रहती थी। कुछ दिनों से वो मानसिक तनाव से गुजर रही थी। इसी के चलते 18 सितंबर को उसे ऋषिकेश घुमाने के लिए ले गए थे और देर रात सभी वहां से वापस भी लौट आए थे। इसके बाद रिसॉर्ट में बने अलग अलग कमरों में सभी लोग सोने चले गए, मगर 19 सितंबर की सुबह अंकिता अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। अंकिता गायब थी। पुलिस जांच में ये कहानी झूठी पाई गई, क्योंकि जब CCTV की जांच की गई तो उसमें देखा गया कि जाते हुए 4 लोग थे, लेकिन वहां से आते हुए सिर्फ 3 लोग थे। यानी कि इन तीनों के साथ अंकिता नहीं थी। रिजॉर्ट के कर्मचारियों ने भी पुलिस को यही जानकारी दी कि ऋषिकेश जाते समय अंकिता इन लोगों के साथ थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। इसके बाद पुलिस ने तीनों से सख्ती से पूछताछ की। पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो तीनों अंकिता को लेकर बैराज तक गए थे। यहाँ सभी ने शराब पी हुई थी। इसके बाद अंकिता धमकी देने लगी। वो सभी को बता देगी कि पुलकित उस पर रिसॉर्ट के कस्टमर्स के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। इस बीच अंकिता ने पुलकित का मोबाइल भी फेंक दिया और दोनों में जमकर झगड़ा हुआ। इसके बाद तीनों ने गुस्से में आकर अंकिता को गंगा में धक्का दे दिया और तीनों वापस रिसॉर्ट लौट आए। यहाँ पे क्या क्या काम होता है? अफसर के जाने के चार्ज नहीं, उधर जाने नहीं देता था। हम इधर ही रहते। तुम उधर कभी गए नहीं? ना। यहाँ ये भी सुनने में आया कि लड़कियाँ और भी आती थी यहाँ पे और फिर चले जाती थी यहाँ से छोड़ के। सर जी, अब जैसे ये शटर बंद है, इधर जाते नहीं। ये भी गेट लग रहा है बास का, तो हम सब इधर जाते नहीं। कब से कर रहे हो यहाँ पे काम आप? हमें तो कम से कम 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो आप उस लड़की को जानते थे? जानते थे उसको, लड़की को? लड़की को? हाँ। नहीं जी सर, कभी देखा ही नहीं था उस लड़की को, कभी देखा ही नहीं था। नहीं देखे, ऐसे देखे। अच्छा, जो मालिक है मंत्री का बेटा, कैसा है, कैसा रोबोय था उनका आपके साथ व्यवहार, कैसा था व्यवहार? तो ऐसे सर, जैसे काम करा लड़के, 1 महीना हो गया उसे छोड़, वो 10 दिन 15 दिन बढ़ा दिया। अच्छा, डेट बढ़ा दिया कि अभी सैलरी नहीं मिलेगा, 10 दिन 15 दिन बाद मिलेगा सैलरी। इस तरह जैसे गाली वगैरह ऐसे कुछ देता था? नहीं, गाली गोली नहीं देता था। जो कहते हैं कि हाँ सर मैं जा रहा है, तो उसे बोलते थे तनख्वाह नहीं देता था, 500 रुपए। अंकिता का शव मिलने के बाद उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इस घटना को लेकर दुख जताया। उन्होंने पुलिस उप महानिरीक्षक के नेतृत्व में SIT का गठन कर इस गंभीर मामले की गहराई से जांच के सभी आदेश दे दिए हैं। CM धामी के आदेश पर हत्या के आरोपी पुलकित आर्य के रिसॉर्ट को भी ढहा दिया गया है। आपको बता दें कि पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र के एक रिसॉर्ट से 5 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई 19 साल की अंकिता भंडारी की कथित तौर पर हत्या कर उसका शव चीला नहर में फेंक दिया गया था। इस पर विचार किया जा रहा है। परिवार को इस बारे में भी हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि अगर कोई प्रकरण आपके संज्ञान में आता है, कोई सूचना आपको प्राप्त होती है, तो आप उसके बारे में भी हमको अवगत करा सकते हैं। परिवार के जब बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात किया है, उनके परिचित हैं उनसे बात किया, तो उनको आश्वस्त किया है कि आपके भी सूचना मिल जाती है उसके बारे में सूचना हमको अवगत कराएंगे, तो उसको भी हम जांच करेंगे। अभी जांच गतिमान है और किसी भी पहलू को न छोड़ा जाएगा।
इसके लिए हम लोगों ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया हुआ है और ये पूरा अभियान जो है इसमें मल्टीपल एजेंसी शामिल है। इसमें कोई भी बिंदु को हम लोग जो है गंभीरतापूर्वक जांच कर रहे हैं, कोई बिंदु छोड़ा नहीं। इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर शेयर कीजिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।